वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, आपको पता ही होगा कि इस टॉपिक के बारे में हमने वीडियो बनाई है। तो आज की हमारी वीडियो है चेहरे की झुर्रियों के लिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, ये चेहरे की झुर्रियाँ सभी को परेशान करती हैं। ज़्यादातर जब हमें शुरू शुरू में जब ये झुर्रियाँ हमको होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें दवाइयाँ लिखते हैं, कुछ ट्यूब या क्रीम वगैरह देते हैं जिन्हें हम लगाते रहते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे चेहरे की झुर्रियाँ चली गई, लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम उस ट्यूब को लगाना बंद कर देते हैं तो वो झुर्रियाँ जो होती हैं हमें फिर से परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊँगी कि बिना किसी डॉक्टर को दिखाए आप घर की घरेलू रेमेडी को यूज़ करके चेहरे को कैसे बेदाग और साफ़ सुथरा बना सकते हैं। तो बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो चलते हैं हम वीडियो की तरफ को। पर साथियों, ऐसा नहीं कि आप वीडियो ही देखकर आपके चेहरे की झुर्रियाँ चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको जो मैं वीडियो में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है और फिर आपको इसे इस्तेमाल भी करना है। ऐसा नहीं है कि इसके एक इस्तेमाल से ही आपको आपके झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, नहीं। आपको पहले इस्तेमाल में थोड़ा फ़र्क दिखेगा, जब आप इसको 15-20 दिन तक लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। नीला आपने देख ही लिया होगा, आपको पता ही होगा कि इस टॉपिक के बारे में हमने वीडियो बनाई है। तो आज की हमारी वीडियो है चेहरे की झुर्रियों के लिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, ये चेहरे की झुर्रियाँ सभी को परेशान करती हैं। ज़्यादातर जब हमें शुरू शुरू में जब ये झुर्रियाँ हमको होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें दवाइयाँ लिखते हैं, कुछ ट्यूब या क्रीम वगैरह देते हैं जिन्हें हम लगाते रहते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे चेहरे की झुर्रियाँ चली गई, लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम उस ट्यूब को लगाना बंद कर देते हैं तो वो झुर्रियाँ जो होती हैं हमें फिर से परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि बिना किसी डॉक्टर को दिखाए आप घर की घरेलू रेमेडी को यूज़ करके चेहरे को कैसे बेदाग और साफ़ सुथरा बना सकते हैं। तो बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो चलते हैं हम वीडियो की तरफ को। पर साथियों, ऐसा नहीं कि आप वीडियो ही देखकर आपके चेहरे की झुर्रियाँ चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको जो मैं वीडियो में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है और फिर आपको इसे इस्तेमाल भी करना है। ऐसा नहीं है कि इसके एक इस्तेमाल से ही आपको आपके झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, नहीं। आपको पहले इस्तेमाल में थोड़ा फ़र्क दिखेगा, जब आप इसको 15-20 दिन तक लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। साफ़ सुथरा आपको एक बाउल ले लेना है और अब इस बाउल में हम डालेंगे आलू और नींबू का रस, जो कि मैंने पहले से ही निकाल कर रखा था। तो मैंने आलू और नींबू का रस इसमें मिला लिया है और हमारी रेमेडी बनकर तैयार है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है। अगर तैयार है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हमको रोज़ दिन में कम से कम 3 बार इसको अपने फेस पर लगाना है और नॉर्मल ठंडे पानी से धो देना है। तो मैं इसको यूज़ करके बताती हूँ। ये यहाँ पे मैंने अपनी रेमेडी ले ली है और एक कॉटन में इसको भिगोकर निचोड़ कर इसको हम फेस पे अच्छे से लगाएंगे। मैंने इसको अच्छे तरीके से फेस पर लगा लिया है। अब हम इसको
10 से 15 मिनट के लिए फेस पर ऐसे ही छोड़ देंगे और बाद में नॉर्मल ठंडे पानी से हम इसको वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको कि मेरे चेहरे पर कितना फ़र्क पड़ा है। तो 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने अपने चेहरे को धो लिया है, तो आप सब देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है। फर्स्ट पोस्ट में इतना फ़र्क पड़ा है। तो अगर आप दिन में कम से कम 3 बार नहीं 2 बार भी इसको यूज़ करेंगे तो आपके चेहरे की झुर्रियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के